गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल। चलो रिप्लाई करो जल्दी। चलो तो आज 6 अगस्त के शिफ्ट के बच्चों हम सवाल डिस्कस करने वाले हैं, तो रेडी है सब लोग? चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी पीसीबी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, सबको पता है। तो जो पीसीएम के पेपर हुए थे, है ना, उनमें कौन कौन से सवाल आए थे, उस तरह के सवाल अभी मतलब पीसीबी ग्रुप में कौन से सवाल पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड सवाल होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो जो सवाल पूछा गया है वो सवाल देखो क्या है, ये जाने दो। विच सब्सटेंस शो हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाइएस्ट है बच्चों? हेलो भूषण, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाइएस्ट है, ये आपको पूछा है। ओके, तो समझो सबसे पहले ये जो सवाल है ना, ये सॉल्यूशन चैप्टर से सवाल है बच्चों। और अगर आपने देखा होगा तो सॉल्यूशन चैप्टर में एक सवाल काफ़ी मतलब फेमस सवाल है ये, है ना, काफ़ी फेमस सवाल है। आपको 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शन में बच्चों आपको 4 सॉल्यूशन देंगे जिसमें आपको नंबर ऑफ आयंस अलग अलग दिखेंगे, है ना। तो अगर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बच्चों आपको चाहिए, जैसे इसका आंसर जैसे एक आपको FeCl3 दिया था शायद, है ना, इस शिफ्ट में 5 अगस्त के शिफ्ट में ये FeCl3 था, तो FeCl3 था, तो FeCl3 बच्चों अगर टूटता है तो आपको कितने आयंस देगा? एक Fe, है ना, और 3 Cl, तो Cl माइनस होता है, ये 3 प्लस होंगे, तो टोटल बच्चों आपको ये कितने आयंस दे रहा है? 4 आयंस दे रहा है ना, 4 आयंस। तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट कब होता है बच्चों? तो आपने सुना होगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ही, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब आप नॉन होलेटाइल सॉल्यूट बच्चों उसमें डालते हो, है ना। नॉन होलेटाइल सॉल्यूट जब डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों बढ़ता है, ये हमें पता है। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा कब? जब सॉल्यूट डालेंगे, मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पे सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा बच्चों वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ये तो आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट कब होगा? जितने ज़्यादा आयंस होंगे बच्चों उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको NaCl दे दिया, है ना, एक NaCl दे दिया, दूसरा बच्चों आपको दे दिया CaCl2, तीसरा दिया बच्चों आपको FeCl3, और चौथा दे दिया बच्चों आपको ग्लूकोज, चौथा दे दिया ग्लूकोज। सपोज ऐसा सवाल था, तो बच्चों यहाँ पे NaCl आपको क्या देता है? 2 आयंस, एक Na एक Cl। CaCl2 क्या देता है? Ca2+ है और 2 Cl देगा बच्चों, टोटल 3 आयन देंगे, है ना, टोटल 3 आयन देंगे बच्चों। FeCl3 आपको एक Fe, 3 Cl, टोटल 4 आयन्स देंगे। और ग्लूकोज बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो बच्चों क्या होगा, ये आपको एक ही मॉलिक्यूल देगा। ओके, तो बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पे ज़्यादा है इस केस में? तो इस केस में पार्टिकल ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ज़्यादा होगा, ठीक है, हाँ बराबर है सोना, सबसे ज़्यादा FeCl3, सबसे कम होगा ग्लूकोज। चलो तो सही है, अभी समझ में आया कैसे करना है? तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो आपका FeCl3 आंसर। गुड इवनिंग जानवी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, रिएजेंट यूज इन हॉफमन एलिमिनेशन, हॉफमन एलिमिनेशन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, क्या होता है बच्चों यूज? तो हॉफमन एलिमिनेशन अगर आपने देखा होगा तो ये, अगर ऐसा सवाल पूछा है तो बच्चों सवाल को घुमा भी सकते हैं कि हॉफमन एलिमिनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर हॉफमन एलिमिनेशन में क्या यूज करते हो आप। तो हॉफमन एलिमिनेशन में आपके पास क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, मतलब कुछ ऐसा CH3 CH2, है ना, और यहाँ पे N, ओके, और यहाँ पे N के ऊपर प्लस, और इससे बच्चों ऐसे 3 ग्रुप अटैच है ना, ऐसे 3 ग्रुप अटैच है, ये क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट है बच्चों, है ना। यहाँ पे सपोज आई माइनस होगा कुछ ऐसा, तो दिया क्या था बच्चों यहाँ पे, एरो पे दिया था आपको मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, और मॉइस्ट Ag2O के प्रेजेंस में बच्चों क्या होता है? पहले ये मॉइस्ट Ag2O आपको क्या देता है, ये Ag2O है, मॉइस्ट है मतलब वाटर है, तो बच्चों ये बना लेगा 2 बार AgOH, है ना, AgOH बनाएगा, तो AgOH बनाएगा बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ से AgI बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा।
यहाँ पे सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री कुछ इस तरह का। और अगली स्टेप में क्या होता है, जब आप इसे सिंपल हिटिंग करते हो तो बच्चों इस केस में यहाँ पे क्या होगा एन प्लस और यहाँ पे ओ एच माइनस भी होगा ना, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ओ एच माइनस भी होगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बच्चों बनता है। अब जब आप सिंपल हिटिंग करते हो तो यहाँ से ओ एच है ना, ये फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच है वो अल्फा, उसका एडजेसेंट बीटा, तो यहाँ से एच निकलेगा और एच ओ एच वाटर बाहर दे बच्चों, ये देखो क्या होगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री से एच निकलेगा तो यहाँ पे सी एच टू बचेगा सिंगल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड है ना, और प्लस ये जो है बच्चों सी एच थ्री तीन होंगे किसे अटैच यन से, मतलब टर्शरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है टर्शरी अमाइन। शिफ्ट वन शिफ्ट टू है 6 अगस्त का भूषण। चलो हो गया, देखो तो यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे रिएजेंट पूछा था, तो रिएजेंट क्या यूज करते हैं बच्चों इसमें, रिएजेंट यूज करते हैं मॉइस्ट H2O, मॉइस्ट H2O, मतलब आपको अभी दूसरा कोई साइंटिफिक रिएक्शन दे सकते हैं जिसमें आपको रिएजेंट पूछ सकते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्टिनॉइड एलिमेंट, कौन सा एक्टिनॉइड है, तो लैंथेनॉइड का ट्रिक बच्चों मैंने आपको बताया था, याद है जो लैंथेनॉइड सीरीज है उसका ट्रिक क्या है, लैंथेनॉइड सीरीज, तो लैंथेनॉइड सीरीज के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक था, लाल है ना, इसके बाद क्या, लाल सिराचा प्रसाद नर्मदा प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ताबड़तोब देनार होत्या इतर तमाम एनार्या बायानी लुटला, ओके ऐसे बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पे चेक करो अभी, तो लैंथेनाइड सीरीज में यहाँ पे कौन कौन है, देखो यहाँ पे पीआर है, यहाँ पे पीआर है क्या, ये देखो है, यहाँ पे सीई है, ये देखो यहाँ पे सीई है, पीए है क्या, यहाँ पे देखो पीए नहीं है बच्चों, एलयू है क्या, देखो एलयू, ये देखो एलयू है, तो बच्चों ये जो है ना ये लैंथेनॉइड है और ये बच्चों क्या है पीए, लैंथेनॉइड नहीं है बच्चों, तो ये क्या है एक्टिनॉइड है, तो यहाँ पे एक्टिनॉइड कौन है पीए, ओके सी आंसर सही होगा। हेलो आदित्य, क्लियर क्लियर हुआ अभी, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी, एचसीपी एचसीपी मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, गुड इवनिंग रोहिन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी है ना, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ऐसे आपको दूसरे में भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको अगर टू डायमेंशन वाला है ना, टू डायमेंशनल अगर टू डायमेंशनल आपको बच्चों कौन सा पूछते हैं, ए ए ए ए टाइप, तो इस केस में कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर ए बी ए बी टाइप पूछते हैं बच्चों, ए बी ए बी टाइप, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। ए ए टाइप को बच्चों स्क्वेयर क्लोज पैकिंग कहते हैं, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग है ना, स्क्वेयर क्लोज पैकिंग कहते हैं, और ए बी ए बी को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग है ना, सीपी लिखता हूँ मैं, ओके कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं, थ्री डायमेंशन में भी पूछ सकते थे, अगर बच्चों थ्री डायमेंशन में और भी पूछ सकते हैं आपको 3D, तो अगर थ्री डायमेंशन है तो थ्री डायमेंशन में अगर बच्चों आपको पूछ लेते हैं सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर उसे ही बच्चों एफसीसी कहते हैं, तो इस केस में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ओके इस केस में भी बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ समझ लो एक चीज़, जैसे इस तरह का सवाल, एक सवाल आपको दिया है तो इसी के ऊपर बेस में और सवाल बना रहा हूँ है ना, जैसे एचसीपी दिया तो ऐसा थोड़ी है अगली शिफ्ट में एचसीपी पूछेंगे करके है ना, एफसीसी भी पूछ सकते हैं, सीसीपी दे सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग दे सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे सकते हैं, टू डायमेंशन वाला है ना, तो ऐसे अलग अलग तरह के सवाल पूछ सकते हैं, तो हमें इस तरह से सोचना होगा, मतलब इस तरह का सवाल आया तो बदल के आ सकता है अगली शिफ्ट में है ना, तो हम रेडी होने चाहिए, अगर सवाल बदल के आएगा तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम गेस कर सकते हैं कि अगले शिफ्ट में सवाल क्या आ सकता है ना, कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, जैसा अगला सवाल है सुक्रोज है बच्चों, और सुक्रोज का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या बनेगा,
है ना, सुक्रोज का रिएक्शन। तो सुक्रोज होता है बच्चों C12H22O11। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है बच्चों, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसके प्रेजेंस में बच्चों इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों इसका, है ना, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। और इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो बनेगा क्या, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चों, ग्लूकोज और क्या मिलता है, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है बच्चों, और दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6, है ना, कुछ इस तरह का होता है, क्लियर। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के बाद आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो आप सवाल दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे अभी सुक्रोज पूछा तो आपको स्टार्च दे सकते हैं, है ना, स्टार्च दिया तो, और स्टार्च का हाइड्रोलिसिस दिया बच्चों, तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस दिया तो यहाँ पे बच्चों आपको ग्लूकोज मिलता है ना, स्टार्च दिया तो क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ये चीज़ ज़रूरी है, स्टार्च से सिर्फ बच्चों आपको ग्लूकोज मिलता है, क्लियर है। ऐसे घुमा सकते हैं ना, दूसरा सवाल बच्चों कुछ इस तरह का आपको पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब सुक्रोज दिया तो दूसरा ऑप्शन स्टार्च वाला भी है आपके पास, आगे बढ़े। देखो अगला क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, है ना, अल्किल हैलाइड का बच्चों डीहाइड्रोहैलोजनेशन, डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब ही कौन सा रिएक्शन है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन है, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों, है ना। और इसमें अल्किल हैलाइड की बात हो रही है, तो अल्किल हैलाइड में बच्चों होता क्या है पता है आपको, तो किसका डीहाइड्रोहैलोजनेशन जल्दी होगा, तो बच्चों अल्किल हैलाइड के केस में टर्शियरी अल्किल हैलाइड, उसके बाद होता है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और उसके बाद होता है बच्चों प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ये वाला ऑर्डर होता है। अब ऐसा ऑर्डर क्यों होता है बच्चों, टर्शियरी पहले क्यों, बाद में सेकेंडरी, बाद में प्राइमरी क्यों, तो बच्चों डीहाइड्रोहैलोजनेशन में क्या करता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बच्चों ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर बच्चों यहाँ पे CH3C, है ना, यहाँ पे हुआ CH3, यहाँ पे आया CH3, और यहाँ पे बच्चों कोई भी एक हैलोजन लगा है, जैसे Cl लगा है, और एरो पे दे दिया बच्चों आपको अल्कोहलिक KOH, क्या दे दिया, अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH दिया तो सबसे पहले बच्चों ये किसकी तरह काम करता है, अल्कोहलिक KOH जो है वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, तो ये एसिडिक एच की खोज में होगा, है ना। तो देखो Cl जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा, उसका एडजेसेंट बच्चों बीटा, बराबर है क्या, कुछ इस तरह का होगा। Cl जिस कार्बन से अटैच है ना, वो वाला अल्फा, उसका एडजेसेंट क्या होगा, बीटा होगा बच्चों। तो अब आप क्या करते हो इस केस में, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन को, या फिर आप क्या कह सकते हो, देखो अब दूसरी चीज क्या है, तो अगर यहां पे आप देखते हो क्या होगा, तो एलिमिनेशन होगा, अल्फा से Cl निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, CH3C, यहां पे CH3 आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड होगा बच्चों CH2, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट होगा, ओके। और ये जो अल्कीन बनता है ना बच्चों इस केस में, ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन होता है, देखो क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 6, क्योंकि देखो ये आपका अल्कीन है, ये अल्फा, ये अल्फा, यहां पे 3, यहां पे 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, है ना, तो ये मोर स्टेबल बनता है ना, ये मोर स्टेबल बनता है किसके केस में, टर्शियरी के। अगर सेकेंडरी वाला लेते थे, अगर सेकेंडरी वाला लेते बच्चों तो कुछ ऐसा होता, यहां पे सपोज BR है और यहां पे CH3 है, अब ये अल्फा ये बीटा, यहां से हटाओ, यहां से हटाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा CH3CH और यहां पे होगा डबल बॉन्ड CH2, देखो तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, तो ये अल्फा है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, देखो तो ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनता है बच्चों इस केस में, है ना, इसके कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, है ना, तो टर्शियरी वाले केस में। तो बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो टर्शियरी वाला सबसे पहले, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद आएगा बच्चों प्राइमरी, तो ये वाला ऑर्डर होगा आपको टर्शियरी अल्कीन का, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला क्या बोला है, अब सिस्टम गेन एक्स जूल हिट, मतलब क्यों दिया है, गेन किया है मतलब पॉजिटिव, कितना एक्स जूल,
वाई जूल वर्क इज डन ऑन इट, है ना, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम होता है पॉजिटिव, कितना वाई, ऑन सिस्टम बोला है ना, ऑन इट बोला है। तो बच्चों आपको डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्या होगा बच्चों, ये क्यू है प्लस एक्स और डब्ल्यू है प्लस वाई, तो आंसर होगा आपका एक्स प्लस वाई, ओके जूल में। क्लियर अनुराग, कौन सा डेंसिटी का, सॉलिड स्टेट वाला। साहिल बच्चे बताते हैं ये सवाल, है ना। अगला देखो क्या है, मेमोरी बेस्ड सवाल होते हैं, है ना। देखो क्या होगा, पॉलीमर ऑप्टेन यूजिंग विनिल क्लोराइड, विनिल क्लोराइड से कौन सा पॉलीमर बनता है, तो विनिल क्लोराइड कुछ ऐसे होता है ना, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, ये हुआ विनाइल और यहाँ पे क्लोराइड, ये है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब अगर बच्चों आप इसका इसे एन टाइम्स लेते हो, इसका पॉलीमराइजेशन करते हो, तो होता क्या है, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे होगा सी एल, कुछ ऐसे, क्लियर। और ये आएगा बच्चों एन टाइम्स, तो ये बना आपका पी वी सी, मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड, है ना, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ऐसे पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, पढ़ाई करते वक्त क्या करेंगे आप बताओ, तो विनाइल क्लोराइड से कौन सा पॉलीमर बनता है, ये पूछा है। ऐसे ही बच्चों आपको पूछ सकते हैं एक्रिलोनाइट्राइल से कौन सा बनेगा, तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है बच्चों, है ना। टेट्राफ्लूरो इथिलीन से क्या बनेगा, तो टेफ्लॉन बनता है बच्चों, है ना, ये एडिशन पॉलीमर है, बराबर, ये एडिशन पॉलीमर है। मतलब कुछ इस तरह के घुमा फिरा के सवाल बच्चों आपको पूछ सकते हैं, तो आपको आने चाहिए, है ना, आने चाहिए। दूसरा कुछ जैसे ये इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है, उससे क्या बनेगा, तो उससे नायलॉन सिक्स बनेगा, है ना। ऐसे फॉर्मूला स्ट्रक्चर दिया था सर, और इसका और पूछा था कि कौन सा पॉलीमर है, हाँ वैसे भी पूछ सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सा पॉलीमर है, तो है ना। नेक्स्ट अगला देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड इन लेमन, लेमन बच्चों क्या होता है, ये साइट्रस फ्रूट है ना, साइट्रस फ्रूट है बच्चों, ये लेमन क्या है, एक साइट्रस फ्रूट है। अब साइट्रस फ्रूट मतलब जैसे मराठी में इसे कहते हैं लिंबू वर्गीय फले, है ना, लिंबू वर्गीय फले, साइट्रस फ्रूट। तो इसमें बच्चों कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसमें बच्चों साइट्रिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है इसमें, साइट्रिक एसिड। जो इमली होता है, इमली, इमली में कौन सा होता है, टैमेरिंड कहते हैं ना उसे, टैमेरिंड, इमली, इमली, टैमेरिंड, ये पूछ लिया तो क्या होता है टैमेरिंड में बताओ, टैमेरिंड, इमली, ये पूछ लिया तो, जैसा लेमन पूछ लिया अभी, है ना, टैमेरिंड पूछते तो क्या होता, क्या होता, टार्टरिक, टैमेरिंड में, चलो बताओ जल्दी, टार्टरिक होता है क्या, जल्दी जल्दी कमेंट करो, चलो बड़े आगे, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है जानवी। नेक्स्ट अगला क्या है, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन इन, इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं बच्चों, प्राइमरी कार्बन बच्चों आपको इस केस में पूछे हैं कितने हैं, प्राइमरी कार्बन क्या है, देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया है, चलो जल्दी जल्दी बताओ, देखो यहां पे कार्बन कितने, ये कार्बन है ना, ये देखो इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर, ये बच्चों तीन से अटैच है, तीन से अटैच है मतलब टर्शरी, ये वाला कार्बन देखो दो से अटैच है, इधर इधर, ये सेकेंडरी, ये भी दो से अटैच है ना, ये वाला सेकेंडरी, ये बच्चों तीन से अटैच है टर्शरी, ये दो से अटैच है सेकेंडरी, ये दो से अटैच है सेकेंडरी, है ना, और ये बच्चों कितने से अटैच है, एक दो, मतलब ये वाला क्या आएगा सेकेंडरी, तो प्राइमरी वाला कितना है जीरो, प्राइमरी वाला कितना है जीरो, कोई भी नहीं है, है ना। तो बच्चों प्राइमरी कार्बन इसमें जीरो है, सारे कार्बन क्या है सेकेंडरी और टर्शरी है, ओके बड़े आगे, चलो आगे
इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर वो बनाया है ना, ऑपरेटर है, ऑपरेटर ने बनाया वो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्या है, यफ ई प्लस सी यू टू प्लस ग्यूज यफ ई टू प्लस प्लस सी यू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए बच्चों। तो क्या होगा, यफ ई है प्लस सी यू टू प्लस है, और ये बच्चों आपको दे रहा है यफ ई टू प्लस और प्लस दे रहा है बच्चों सी यू। तो अब सुनो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है मतलब जीरो है, इसका कितना है प्लस टू है, इसका कितना है प्लस टू है, और इसका कितना है जीरो। तो अब देखो यफ ई जीरो से प्लस टू, जीरो से प्लस टू इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चों, यफी, यफी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, यहाँ पे सी यू पे दो प्लस है, सी यू पे जीरो, तो प्लस टू से जीरो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन हुआ इसका मतलब जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो बच्चों सी यू टू प्लस, कौन होगा सी यू टू प्लस, हो गया सवाल है ना, ये आपका आंसर होगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है सी यू टू प्लस। समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल बच्चों, अगला क्या पूछा है, यूज ऑफ बुनायस, बुनायस कहाँ पे यूज होता है बच्चों, यूजेस है पता है, अब पता होने चाहिए है ना, यूजेस बुनायस कहाँ पे यूज होता है, तो बुनायस बच्चों टायर में है ना, टायर में यूज होता है बच्चों, टायर कॉर्ड है ना, टायर कॉर्ड में बच्चों बुनायस यूज होता है, टायर दिया था ऑप्शन में, ओके पूछा ठीक है, टायर में यूज होता है, ऑप्शन में टायर दिया था, ओके कोई बात नहीं, बुनायस मतलब ही होता है बच्चों स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर है ना, इसका दूसरा नाम क्या है स्टीरीन ब्यूटाडाइन है ना, स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर, इसे शॉर्ट में SBR भी कहते हैं, स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर। किससे बनता है बच्चों, इसके मोनोमर क्या है, स्टीरीन और ब्यूटाडाइन ये दोनों बच्चों इसके मोनोमर्स हैं ना, ये इसके मोनोमर है ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से बच्चों जब आप फिनॉल बनाते हो तो इंटरमीडिएट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, देखो एनिलीन कुछ ऐसा है, ये एनिलीन है बच्चों, एनिलीन क्या होता है बेंजीन रिंग पे NH2, ये एनिलीन है। अब सबसे पहले क्या करते हो बच्चों आप, आपको पता है आप रिएक्शन किसके साथ करते हो, आप रिएक्शन करते हो NaNO2HCl के साथ, NaNO2HCl, और जब आप NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे पहले कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यहाँ पे बनता है N2+Cl-, जिसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, कुछ इस तरह का। और जब बच्चों इसका रिएक्शन किसके साथ करते हो, वाटर के साथ है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करते हो HOH, तो सिंपली बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से HCl उड़ा दो, N2 गैस निकल जाएगी बच्चों, और क्या बनेगा बेंजीन रिंग पे आ जाएगा OH, कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन 273 टू 278 केल्विन पे करते हैं है ना, कुछ इस तरह का। हाँ तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये होता है इंटरमीडिएट है ना, ये बीच में बनता है, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट ठीक है, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट, क्लियर क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसा कुछ तो भी दिया था बच्चों, आपको E0 दिया था 0.80 ऑफ Cu2+ और E दिया था 0.46, कुछ इस तरह का दिया था। अब क्या होगा बच्चों इस केस में, व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा था बच्चों, तो कैसे निकालेंगे,
Cu2+ का दिया था, और शायद मतलब सवाल वो थोड़ा देखो, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है E0 सेल का। E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, है ना, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, कुछ ऐसे होगा ये बच्चों। Cu से Cu2+ बनेगा, कुछ ऐसे होगा ये, है ना, Cu से Cu2+। और क्या होगा, यहाँ पे X है बच्चों, तो X से कुछ तो भी बनेगा, है ना, यहाँ पे ऐसा डबल लाइन होगा और यहाँ पे ये X प्लस होगा शायद, और यहाँ पे X होगा, कुछ इस तरह का दिया होगा आपको, ओके। और कैथोड माइनस एनोड पूछा है, तो ये लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में होता है बच्चों एनोड, और राइट में होता है बच्चों कैथोड। लेफ्ट बराबर है ना, या उल्टा हुआ, लेफ्ट में एनोड और राइट में क्या है, कैथोड, कुछ इस तरह का है बच्चों। सपोज नेक्स्ट इक्वेशन की जरूरत नहीं है रतन, व्हाट इज स्टैंडर्ड पूछा है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल, ये भी स्टैंडर्ड दिया होगा आपको, ठीक है। तो अभी ये तो आंसर पे डिपेंड करेगा क्या करना है, तो समझो अभी, तो इस केस में क्या करेंगे, तो आपको सेल, सपोज आपको ये सेल का वैल्यू दिया है, कितना है 0.46, कैथोड कौन है आपका एक्स, ये सपोज आपको पता नहीं है, तो ये जीरो कैथोड पता नहीं है, माइनस एनोड का वैल्यू कितना है, ठीक है, एनोड का वैल्यू कितना है, तो एनोड का वैल्यू दिया है 0.80, ओके, तो ये कितना होगा, ये 0.46 है ना, 0.46, ये माइनस इधर आया तो क्या होगा, माइनस इधर आया तो होगा प्लस 0.80, और यहाँ पे होगा ये जीरो कैथोड, कुछ ऐसे होगा। तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना होगा, ये 6, 8+4 होगा 12, है ना, कुछ ऐसे, और दो डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये होगा ये जीरो कैथोड। ई जीरो कैथोड अगर पूछा है तो, सपोज आपको यहाँ पे सवाल में पूछा था ई जीरो एक्स प्लस एक्स, है ना, ये वाला वैल्यू पूछा है बच्चों, तो ये वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू बच्चों 1.26 आएगा, तो आपका ए आंसर सही होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा, अब डिपेंड करेगा आपको क्या पूछा है, मैंने सवाल क्या लिया, मैंने इसे ई जीरो सेल ले लिया, क्योंकि मेरे पास ये एक्चुअल सवाल नहीं है ना, तो आपको घुमा फिरा के तो आंसर आ जाएगा, है ना, अगर ये ई जीरो सेल होगा तो आपका ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ ना। आगे बढ़ते हैं फिर अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द अमीनो एसिड इज नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, है ना, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, है ना, कौन सा है, ओके पूजा, इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, है ना, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते वो इसेंशियल होते हैं। ट्रिक क्या होता है बच्चों इसका, आंसर में वैलिन था, ओके, आंसर में आपने दिया था शायद ये पेपर, है ना, तो इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से थे, वो ट्रिक क्या था आपका, VIP हॉल में टीटी, है ना, VIP हॉल में, VIP हॉल में टीटी, ऐसा था ना, ये कौन से थे, इसेंशियल वाले थे ना, अरे यही ट्रिक था ना, VIP हॉल में टीटी, VIP हॉल में टीटी, तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे V मतलब वैलिन था, है ना, V मतलब क्या था, वैलिन, ये दिया था बच्चों आपको, तो आपका आंसर वैलिन होगा, ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, ओके चलो आगे बढ़े फिर। यूजेस ऑफ बुनायन, बुनायन का यूज पूछा था बच्चों, कहां पे यूज होता है, तो बुनायन यूज होता है अडेसिव, है ना, अडेसिव यूज था बच्चों इसका, अडेसिव है, उसके बाद शू सोल, है ना, अडेसिव, उसके बाद शू सोल, शू सोल, है ना, यही ट्रिक यूज किया था, ओके पूछा, ठीक है, वो टायर में बुना बुना यस था, नदरे नदरे नदरे, ठीक है, वो कौन था, बुना यस था टायर कॉर्ड, चलो, तो ये अडेसिव है, शू सोल, हाँ, टैंक लाइनिंग भी बोल सकते हो क्योंकि अडेसिव है, लाइनिंग में यूज होगा, बुनायन होता है, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट SN1 के बारे में क्या फॉल्स है, SN1 के बारे में क्या फॉल्स है, तो बच्चों आपको SN1 के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, SN1 के बारे में क्या पता होना चाहिए, देखो SN1 में बच्चों सबसे पहले ये फेवर्ड बाय, फेवर्ड बाय कौन सा सॉल्वेंट, फेवर्ड बाय
पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्ड बाय पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसेंशियल की ट्रिक बताई ना मैंने गणेश, वीआईपी हॉल में टीटी, ये है ना वीआईपी हॉल में टीटी, ओके ये वाला ट्रिक है वीआईपी हॉल में टीटी। चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मतलब SN1 के बारे में ट्रू क्या है, फेवर्ड बाय पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, भावेश रीअरेंजमेंट हाँ होता है वो भी चलेगा है ना, कार्बोकैटायन अगर बनता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। उसके बाद क्या बता सकते हैं, रेसिमिक मिक्सर बन सकता है ना, रेसिमिक मिक्सर, रेसिमिक मिक्सर, रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ओके। और क्या बता सकते हैं, टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, टू स्टेप मैकेनिज्म है, पहली स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है ना, और इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, रेट किस पे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड है ना, टर्शरी अल्किल हैलाइड है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, और इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बच्चों टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। अब रेसिमिक मिक्सर है इसका मतलब 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, बराबर है क्या, 50% इन्वर्जन है ना और 50% रिटेंशन, 50% रिटेंशन है ना, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो ये ट्रू वाले पॉइंट्स हैं, आपको फॉल्स पूछा है, तो इसमें से जो नहीं दिखेगा SN1 के एग्जांपल में मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, ओके तो टर्शरी वाला होगा ना मोस्ट रिएक्टिव, टर्शरी वाला मोस्ट रिएक्टिव होगा, और अगर बेंजाइलिक वाला होगा तो उससे भी ज्यादा होगा है ना। चलो बढ़े आगे, देखो बहुत कुछ लिख के दे दिया मैंने, मतलब ट्रू क्या पूछा था, तो नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन मतलब परसेंट अल्फा, परसेंट अल्फा पूछा है, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 1.72 10^-4 है ना, ये कैपिटल यम चाहिए, तो ये बच्चों कैपिटल यम कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या होगा, ये आपका के का वैल्यू होगा, के होगा या फिर के भी होगा बच्चों, वो पहले ही कर लिया पूजा हमने, तो बच्चों ये के होगा, तो आपका अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अपॉन सी है ना, अंडर रूट के अपॉन सी यही होता है, क्या होगा अभी, और तो देखो अभी अंडर रूट के, के कितना है 1.72 10^-4 और अपॉन है 0.25, तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट दो से शिफ्ट करता हूँ, ये पॉइंट दो से शिफ्ट करता हूँ, तो ये होगा अंडर रूट 172/25 और 10^-4 बाहर आएगा तो -2, -4 को बाहर निकालेंगे तो -2, ठीक है। अब से 172 को 25 से डिवाइड कर लो, अल्फा कितना आएगा, जो बच्चे नए होंगे ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने, वहाँ पे मैं आपको क्लास के बाद इसका PDF डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखो तो अब 172 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 6 है ना, 25 6 आएगा अप्रोक्सीमेट, हाँ 25 6 150 है ना, और 25 7 175 होता है, तो आपका आंसर बच्चों अप्रोक्सीमेट क्या होगा, √7 और 10^-2 बाहर। अब √7 कितना होता है, तो √4 बच्चों 2 होता है और √9 बच्चों 3 होता है, तो आपका आंसर 2 point something होगा और 10^-2 ये होगा बच्चों आपका अल्फा, लेकिन आपको परसेंट अल्फा पूछा है, तो ये 2 point something 10^-3 into आएगा बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा परसेंट अल्फा का बच्चों 2 point something है ना,
टू पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा, देख लेना अभी ऑप्शन में क्या था। तो चलो क्लियर, बड़े आगे आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्या है, अगला है विच सब्सटेंस शो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अब ये डिपेंड करेगा आपको सवाल क्या पूछा है ना। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप देते हैं, है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप देते हैं तो बच्चों क्या होगा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ वही बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, उसके बाद बच्चों अल्कोहल आएगा, और उसके बाद बच्चों अमाइन आएगा, ठीक है, उसके बाद अमाइन आएगा बच्चों, और इसके बाद आपको अल्केन दे सकते हैं, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह का सवाल आपको दिया होगा। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमाइन, उसके बाद होगा अल्केन। अगर ऐसे पूछा फंक्शनल ग्रुप है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो, लेकिन अगर ये किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होते हैं तो हम क्या देखेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन को, है ना, नंबर ऑफ कार्बन को, और अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है ना, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग को, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग को। तो ऐसी चीजें बच्चों हम चेक करेंगे अभी, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सुनो, अगला क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन आया था, प्रोडक्ट बताना था, समझो हेलोफॉर्म रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या बनता है बच्चों, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन दिखाते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए बच्चों क्या पॉसिबल, मतलब क्या यूज करना होता है आपको, आपको चाहिए या तो मिथिल कीटोन, कुछ इस तरह का ऐसा वाला पार्ट चाहिए, या फिर बच्चों आपको चाहिए CH3CH, है ना, OH, कुछ इस तरह का पार्ट चाहिए, है ना, अगर इसमें से कुछ दिखता है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन बच्चों इस केस में शो करेगा। और आप रिएक्शन किसके साथ करते हो, हेलोफॉर्म रिएक्शन आप किसके साथ क्या करते हो, अरे हेलोफॉर्म रिएक्शन किसके साथ करते हो, जल्दी जल्दी बताओ, किसका फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है, NaOH है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, बराबर है, NaOH है, इसके अलावा क्या दे सकते हैं, इसके अलावा क्या दे सकते हैं, कभी कभी NaOH देंगे, दूसरा क्या दे सकते हैं, ओके, अरे NaOH के अलावा क्या दे सकते हैं, हाँ क्या दे सकते हैं, NaOH I2, हाँ ये दे सकते हैं, या फिर आपको क्या दे सकते हैं, NaOH I2, ऐसे कुछ ऐसे होगा ना, हाँ। अब बनेगा क्या, तो बनता क्या है इस केस में, बनता क्या है, क्या बनेगा, चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनता है, और क्या बनता है, एक बनेगा CH3, है ना, CH3 बनेगा, इसे कहते हैं आयडोफॉर्म, है ना, ये क्या है, आयडोफॉर्म है, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, आयडोफॉर्म बनता है बच्चों, और एसीटोन दिया था, हाँ बुक में एसीटोन दिया है, तो दूसरा क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा ONA, कुछ ऐसे बनेगा ना, सोडियम एसिडेट, और आयडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ये सॉल्ट बनता है बच्चों, यहाँ पे सोडियम एसिडेट का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ इस तरह का रिएक्शन है, याद रखना, है ना, प्रोडक्ट बनाना था तो ये वाला होगा ऑप्शन में, या फिर ये वाला होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं,
ठीक है। चल नेक्स्ट, विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एनायोनिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा और एनायोनिक पूछा है बच्चों, तो इसके लिए क्या करना होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये मैंने एक आपको आइडिया बता दिया, यहाँ पे आप लगे तो ऐसे कुछ ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे सी एस थ्री ले लिया, यहाँ पे सी एस थ्री ले लिया, इन दोनों में से आप कोई ले सकते थे यहाँ पे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये वाला ग्रुप चाहिए, ये वाला ग्रुप चाहिए, ये वाला ग्रुप अगर होगा तो वहाँ पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा बच्चों। नेक्स्ट, हाँ तो एनायोनिक में क्या होता है, तो एनायोनिक देखो मैं कॉम्प्लेक्स बताता हूँ आपको। अगर कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है के थ्री यफी सी एन, है ना, के थ्री यफी सी एन बाय सिक्स, ये वाला बच्चों। तो इस केस में देखो पहला वाला पार्ट क्या है और दूसरा वाला, तो पहला वाला पार्ट होता है कैटायन और दूसरा वाला होता है एनायन। तो एनायन क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स है बच्चों। अगर दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसा है सी ओ एन एच थ्री बाय सिक्स सी एल थ्री, तो इस केस में बच्चों पहला वाला क्या है, है ना, ये देखो पहला वाला क्या है कैटायन और दूसरा वाला क्या है एनायन। तो ये वाला देखो एनायन है, इसलिए बच्चों ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे कैटायन, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैटायन है, इसलिए इसे कहेंगे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, इसे कहेंगे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। ओके क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सुनो, अगला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, तो डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होगा बच्चों बाद में बढ़ेगा, तो टीबी माइनस टीबी जीरो बराबर है क्या, टीबी माइनस टीबी जीरो होता है, क्लियर। ये वाला पूछ सकते हैं या फिर M2 का पूछ सकते हैं। M2 का क्या था, M2 का था KB इंटू W2 इंटू 1000, है ना, और अपॉन में क्या था W1 इंटू डेल्टा टीबी, ये वाला फॉर्मूला था, M2 का पूछा था। ओके तो ये है ना M2 का, अगर M2 का पूछा था तो ये है, M2 का क्या होता है KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टीबी। मतलब ये तो देखो PYQ रिपीट होता है ना, PYQ रिपीट होता है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट, रिएक्शन मैच विथ नेम। मतलब आपको अलग अलग रिएक्शन दिए थे और उसके नाम, काफी अच्छा सवाल, ऐसा हमने एक किया था याद है क्या, वो स्टीफन रिएक्शन, क्लेमेंसन, है ना, उल्फ किशनर, ऐसे बहुत से सवाल किए थे, PYQ में आया था। तो अभी बच्चों आपको ये पूछ लिया, हॉफमन डिग्रेडेशन, है ना, तो हॉफमन डिग्रेडेशन में क्या था, हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, है ना, HBD। इस केस में क्या होता, HBD के केस में क्या होता है, इसमें मेंडियस भी था, ओके इसमें एक मेंडियस था, चौथा वाला मेंडियस था, मेंडियस रिडक्शन, ऐसे चार थे। तो देखो अब मैं रिएक्शन मैच विथ नेम, तो मैं आपको सारे रिएक्शन, हॉफमन डिग्रेडेशन में क्या होता है बताओ, हॉफमन डिग्रेडेशन में क्या होता है, तो हॉफमन डिग्रेडेशन में बच्चों आपके पास अमाइड होगा, RC डबल बॉन्ड ONH2, इसका रिएक्शन किसके साथ किया होगा आपने, हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन NaOH Br2 के साथ, है ना। अगर ऐसा है तो ये बच्चों आपको यहाँ से C डबल बॉन्ड ओ उड़ जाएगा, RNH2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, RNH2 का। हॉफमन एलिमिनेशन में क्या होता है, हॉफमन एलिमिनेशन, हॉफमन एलिमिनेशन बच्चों हमने थोड़ी देर पहले देखा था, याद है क्या, कहाँ पे किया था, मैं वहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, हॉफमन एलिमिनेशन ये देखो हमने किया था, ये किया था, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये देखो ये हॉफमन एलिमिनेशन है, जगह भी नहीं बची इसके लिए, तो काफी बड़ा रिएक्शन है, ठीक है मैं इधर लिख देता हूं इसे, ये देखो ये हॉफमन एलिमिनेशन है, इधर बना लेते हैं, ये हॉफमन एलिमिनेशन है। ओके अब देखो, हाँ KOH भी चलता है ना, NaOH ले लो या फिर आप क्या ले सकते हो, KOH, KOH भी ले सकते हो। अब सुनो आके, हॉफमन एग्जॉस्टिव, है ना, हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, इस केस में क्या था,
हॉफमन एग्जॉस्टिव, जैसे यहाँ पे आर एन एस टू है ना, इसका रिएक्शन किसके साथ, अल्किल हैलाइड के साथ, आर एक्स बराबर है क्या, अल्किल हैलाइड के साथ, और ये बच्चों एक्सेस में होगा, अल्किल हैलाइड एक्सेस में होगा, ऐसे था क्या पूजा, ऐसा कुछ था क्या, चलो बताओ, आपने दिया है ना ये वाला शिफ्ट एक्सेस में, तो यहां पे कुछ ऐसा बनता है आर फोर एन प्लस एक्स माइनस कुछ है, याद नहीं सर इतना, ओके कुछ ऐसा होगा, आर एक्स एक्सेस में होगा ठीक है, और आर फोर, आर फोर एन टू एक्स, एन टू नहीं होगा ना, ठीक है कुछ ऐसा, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा ठीक है ये वाला, और मेंडियस में क्या होता है, मेंडियस में, मेंडियस में क्या होगा, मेंडियस में क्या होगा, सोडियम इथेनॉल यूज करते हैं, एरो पे क्या होता है, सोडियम इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम इथेनॉल था है ना, और यहां पे क्या था, आर एन एच टू बनता है ना, आर एन एच टू बनता है, और किससे बनता है, मेंडियस में क्या होता है, आपके पास क्या है वो बताओ पहले, मेंडियस में रिएक्टेंट क्या होता है, मेंडियस में रिएक्टेंट क्या होता है, चलो जल्दी जल्दी बताओ, सी एच थ्री सी एन, यहाँ पे था सी एच थ्री सी एन, और अगर सी एच थ्री सी एन था तो ये देगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू कुछ ऐसे है ना, सी एन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू एन एच टू में, ओके तो ये कुछ इस तरह का रिएक्शन है, मैंने सारे रिएक्शंस आपको बता दिए, नेमिंग रिएक्शंस, तो कौन सा आप ये होने चाहिए, वहाँ पे देखो अभी गलती कौन सी थी, तो आपको गलती ढूंढनी थी है ना, आपको क्या करना था, गलती ढूंढनी थी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है, डेल्टा यू निकालना था, वर्क डन ऑन सिस्टम दिया था, वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है, मतलब डब्ल्यू होगा प्लस 25, एब्सॉर्ब मतलब एब्सॉर्ब किया है, अगर हीट एब्सॉर्ब किया है ना तो क्यू क्या होगा 65 प्लस होगा, एब्सॉर्ब है तो पॉजिटिव, एरो पे एस एन एस सी एल दिया था इसलिए रॉन्ग था, ओके पूजा, तो दोनों पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला तो सीधा क्यू प्लस डब्ल्यू है ना, क्यू है बच्चों प्लस 65 और डब्ल्यू है प्लस 25, तो 65 प्लस 5 हो गए 70 प्लस 20 90 प्लस 90 किलो जूल है ना, ये होगा डेल्टा यू, हो गया ठीक है, नेक्स्ट अगला, इसका आई पी एस नेम बताना था, देखो ये यन है, इसे सी एस थ्री है, और इधर बच्चों दो सी एस थ्री अटैच है, एक सी एस थ्री दो सी एस थ्री, तो इस केस में क्या करना होता है, किसी भी जिस तरफ ज़्यादा कार्बन होंगे उस तरफ नाइट्रोजन ले लो, तो सभी तरफ कार्बन सेम है तो किसी भी तरफ नाइट्रोजन ले सकते हो, सी एस थ्री सी एस थ्री, तो यन कॉमा यन दो है इसलिए डाई, और सी एस थ्री के लिए आएगा मिथिल, यन कॉमा यन डाई मिथिल है ना, और आगे देखो एक कार्बन है, एक कार्बन का होगा मिथेन, और बच्चों यन के लिए आएगा अमाइन, यन कॉमा यन डाई मिथिल मिथेनामाइन है ना, इथेनामाइन कैसे होगा, कार्बन तो एक एक ही दिया है, ऋतुज ऋतुजा समझ में आया, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल, अगला क्या है, विच वन इज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कल मैंने पूरा लिस्ट लिख के दिया था आपको, तो एक्सटेंसिव किस पे डिपेंड होता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे, अब एक्सटेंसिव कौन कौन से थे, जैसे मास था है ना, वॉल्यूम था बच्चों है ना, मास वॉल्यूम वेट है ना, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, उसके बाद था इंटरनल एनर्जी, इसमें से कुछ तो भी होगा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और बच्चों है ना इंटरनल एनर्जी, उसके बाद एंथैल्पी, उसके बाद एंट्रोपी, एंथैल्पी एंट्रोपी हीट कैपेसिटी है ना, अब देखना इसमें से ऑप्शन में क्या था, तो ये होती है बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके नेक्स्ट, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड,
स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों कौन सा होता है? कैसे पता करेंगे? तो एसिडिटी पे सवाल था बच्चों, ये है ना, कौन ज्यादा एसिडिक है कैसे पता चलेगा? जैसे इसके ऊपर बेस सवाल ले लेते हैं, कुछ इस तरह का सवाल था, सवाल कुछ ऐसा ले लेते हैं, देखो जैसे CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O OH, ये पहला। दूसरा ऑप्शन है CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O OH। तीसरा बच्चों यहीं पे बना रहे, तीसरा है CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। और चौथा है बच्चों CH3 C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, है ना, उसके बाद यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O OH। अब इन केसेस में बच्चों आपको करना क्या होता है, इन केसेस में आपको करना क्या होता है, तो H प्लस को हटाना है बच्चों सिंपली। अब H प्लस को हटाएंगे तो क्या बनेगा, देखो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये इसका कॉपी पेस्ट नीचे कर लिया मैंने। देखो एक 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 हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। देखो अभी अब सुनो क्या होगा, तो बच्चों आपको सीधा क्या करना है, H प्लस हटाना है। देखो H प्लस हटेगा, सॉरी यहां से नहीं हटाना, यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, ठीक है। तो अगर बच्चों आप यहां से H प्लस हटाते हो तो इसके ऊपर निगेटिव, यहाँ पे बच्चों इसके ऊपर निगेटिव, यहाँ पे इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव, कुछ ऐसे होगा। अब बच्चों हमें इसकी स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है, हमें स्टेबिलिटी देखनी है। तो देखो इससे ये बना है, इससे बच्चों ये वाला बना है, इससे ये वाला बना है, और इससे बच्चों ये वाला बना है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? देखो तो यहाँ पर बच्चों ये वाला जो ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, यहाँ पर Cl बच्चों खींचने वाला है, यहाँ पर है ना Cl खींचने वाला है, तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, देखो ये खींचने वाला ग्रुप है बच्चों, तो निगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, यहां पे खींचने वाला देखो है ना, ये बच्चों फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप है अल्फा, तो अल्फा पे दो है, और यहां पे देखो ये बच्चों फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा पे है बच्चों। तो पहले तो हम डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो बच्चों यहां पे अल्फा है, यहां पे बीटा है, तो अल्फा वाला बच्चों ज्यादा खींचेगा, इसका विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। तो बच्चों यहां पे दो दो हैं, यहां पे एक है, तो दो वाले का ज्यादा इफेक्ट होगा, तो बच्चों ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, है ना, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो बच्चों यहां पे अगर मैं इसे ए कहता हूं, इसे मैं बी कहता हूं, इसे सी कहता हूं, और इसे डी कहता हूं। तो बच्चों अगर हम स्टेबिलिटी की बात, मतलब एसिडिटी की बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, AS लिखता हूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल आपका D है, उससे कम देखो बच्चों, उससे कम C आएगा। पहले डिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद नंबर देखते हैं, पहले डिस्टेंस देखते हैं, उसके बाद नंबर देखते हैं, ओके। तो बच्चों डिस्टेंस पहले देखो, नज़दीक अल्फा पे, अल्फा पे, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो दो वाला पहले आएगा, फिर एक वाला आएगा, फिर दूसरा देखो यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस दूर है ये, तो बच्चों उसके बाद आएगा बी, और लास्ट में कौन आएगा, ए, क्योंकि यहाँ पे ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ए लास्ट में आएगा, ओके। तो सबसे आगे बच्चों डी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर स्ट्रेंथ निकालना है तो कुछ ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का सवाल बच्चों इस पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक है ना, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बच्चों, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट मतलब KF होता है, और KF का यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, क्या यूनिट होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं केल्विन केजी, है ना, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन OF2। देखो फ्लोरीन बच्चों हमेशा -1 होता है, तो ऑक्सीजन दो बार फ्लोरीन है, -1 = 0, तो ये होगा ऑक्सीजन -2 = 0,
तो ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों, प्लस टू है ना, ऑक्सीजन प्लस टू होगा, वही आपको निकालना था। फ्लोरीन हमेशा माइनस वन होता है, तो ऑक्सीजन प्लस टू आएगा। वेन इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है ना, वेन नहीं होगा, विच इज होगा, विच इज, है ना, विच इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है बच्चों, डिफर बाय प्रोटॉन, है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय प्रोटॉन, डिफर बाय प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है बच्चों इसमें, है ना, डिफर बाय प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है बच्चों इसमें, ओके। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल है बच्चों HCl, इसका रिएक्शन H2O के साथ है, और होता क्या है बच्चों, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर बेस की तरह बिहेव करता है, तो क्या बनाएगा बच्चों, तो ये बनाएगा H3O प्लस, और क्या बनाएगा बच्चों, Cl माइनस। तो HCl और Cl माइनस, है ना, HCl का ये एसिड है ना, ये क्या है, एसिड है, और बच्चों ये एसिड है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस, और वैसे बच्चों ये बेस है, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो दोनों में H प्लस का डिफरेंस होता है, डिफर बाय प्रोटॉन मतलब H प्लस, इसमें देखो HCl है, इसमें Cl माइनस है, मतलब एक ही H का डिफरेंस है, यहाँ पे H2O है, H3O प्लस है, क्लियर है, क्लियर, कुछ इस तरह के, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर प्रोटॉन से डिफर करता है, ये चीज बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, कौन सा करेक्ट है बच्चों, ये कहाँ से है, ये बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। तो बच्चों ये के इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है, तो क्या फॉर्मूला था, ई का फॉर्मूला क्या था, ई जीरो, ये कुछ ऐसे था, ई जीरो सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन, है ना, ऐसे होता है 0.0592 अपॉन एन, और क्या होता है बच्चों, लॉग टू द बेस 10, है ना, लॉग टू द बेस 10 के, कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम, ये कब होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, और सिंपल वाला क्या है, ई जीरो सेल, तो ई जीरो सेल होता है बच्चों यहाँ पे, ई जीरो सेल क्या होता है, 2.303 RT, है ना, 2.303 RT अपॉन क्या होता है, NF, अरे कुछ ऐसे होता है क्या, 2.303 RT अपॉन NF, यहाँ पे होता है log टू द बेस 10, है ना, log टू द बेस 10, और क्या होगा, K इक्विलिब्रियम, कुछ ऐसे होगा बच्चों। तो ऐसा चाहिए था, तो ये यहां पे शायद ऑप्शन गलत दिए है ना, क्लियर है क्या, कुछ ऐसा चाहिए था ना ई जीरो सेल, तो ये ऑप्शन थोड़े लिखते वक्त गड़बड़ की होगी स्टूडेंट्स ने, तो आपको या तो ये वाला फॉर्मूला चाहिए बच्चों, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या फिर बच्चों आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए, 2.303 RT अपॉन NF लॉग टू द बेस 10 के, बराबर है क्या पूजा, पूजा बराबर है क्या, चलो अगर नर्स्ट इक्वेशन पूछा होता तो, नर्स्ट इक्वेशन पूछा होता तो होता है ई सेल, है ना, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन पूछा होता तो ई सेल क्या होता है, ऊपर का फॉर्मूला था, लेकिन ये यहां पे गलत है ना, ऊपर वाला था, ओके ओके, ये वाला था, आरटी नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है वो गलत ही है, ये ऑप्शन जो दिए है ना ये गलत है, आपको इसमें से कुछ तो भी चाहिए था। नर्स्ट इक्वेशन ई सेल क्या होता है, ई जीरो सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कुछ ऐसे, ठीक है, या फिर बच्चों ये भी दे सकते थे, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, आपको ऐसे भी दे सकते थे, ई सेल क्या होता है, ई जीरो सेल माइनस क्या होता है, माइनस होता है 2.303 RT, 2.303 RT अपॉन होता है NF लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी दे सकते थे, तो याद कर लेना अच्छे से, है ना, अच्छे से याद कर लेना क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला, विच इज नॉट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब प्रिपरेशन बिनॉन मतलब प्रिपरेशन मेथड कौन सा नहीं है बच्चों फिनॉल बनाने का,
नहीं ऋतुजा, देखो विच इज़ नॉट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल बिना बनाने के कौन कौन से मेथड है बच्चों? एक हमने देखा था कौन सा, डाउस प्रोसेस। एक डाउस प्रोसेस होता है बराबर, अरे डाउस प्रोसेस होता है ना, किससे बनता है डाउस प्रोसेस में? क्लोरोबेंजीन से, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से डाउस प्रोसेस। उसके बाद बच्चों दूसरा था फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से भी पूछ सकते हैं, है ना, ये मेथड होते हैं। तीसरा है बच्चों फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, और क्या था, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये तो ऑप्शन पे डिपेंड होगा ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तो ऑप्शन है आपके पास। इससे बच्चों हम फिनॉल बना सकते हैं, है ना, इससे फिनॉल हम बना सकते हैं, क्लियर, इससे बना सकते हैं। तो अभी आप देख लेना इसमें से क्या नहीं था, तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला, विच क्यूबिक सेल हैज फोर पार्टिकल्स, फोर पार्टिकल्स एफसीसी। अरे एफसीसी में होते हैं ना, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है? अगर सिंपल क्यूबिक है तो इसमें एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू वन होता है, सिंपल क्यूबिक में एन वन है। बीसीसी में कितना है? बीसीसी में एन टू है, और एफसीसी में कितना है? एन फोर है। ओके चलो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 क्या था बच्चों? ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, अरे O2 है तो O2 मतलब सीधा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर था बच्चों इस केस में 2 ना, डबल बॉन्ड है ना। जैसे देखो अगर H बॉन्ड H है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों 1। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर है 3। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, रिमन टिमन रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोडक्ट विचारला होता है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा था रिमन टिमन का। क्या होता है बच्चों रिमन टिमन का प्रोडक्ट? रिमन टिमन का प्रोडक्ट क्या होता है? रिमन टिमन, रिमन टिमन का प्रोडक्ट होता है बेंजाल्डिहाइड, बराबर है क्या? बेंजाल्डिहाइड ही होता है ना, बताओ मुझे सही है क्या? सॉरी हाँ, बेंजाल्डिहाइड नहीं, क्या होता है वो? रिमन टिमन का, रिमन टिमन का क्या था? सैलिसाइलाल्डिहाइड है ना, सैलिसाइलाल्डिहाइड, बराबर है क्या? कुछ ऐसे होगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे यहाँ पे OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, सैलिसाइलाल्डिहाइड। हाँ वहाँ पे नाइट्रोजन का होगा। ओके वही अगर कोल्बे पूछ लिए तो, अगर कोल्बे रिएक्शन पूछा तो कोल्बे में क्या बनता है, कोल्बे में क्या बनता है? तो कोल्बे में बनता है बच्चों सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। और सैलिसाइलिक एसिड कुछ ऐसा होता है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और एडजेसेंट कार्बन पे C डबल बॉन्ड OOH, है ना, सैलिसाइलिक एसिड। अगर कोल्बे पूछ लिया तो, अगर कोल्बे पूछ लिया तो। नेक्स्ट, आइसोब्यूटिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अमाइन, कौन से अमाइन का एग्जाम्पल है बच्चों आइसोब्यूटिल? आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल तो कुछ ऐसे होगा, देखो CH3, ये हुआ आइसो, ब्यूटिल बोला है ना तो ऐसे चार कार्बन होंगे, ये हुआ आइसोब्यूटिल और MINH2, ये आइसोब्यूटिल अमाइन चाहिए ना। आइसोब्यूटिल अमाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कुछ, कौन से अमाइन का है? तो बच्चों आइसोब्यूटिल अमाइन में फंक्शनल ग्रुप NH2 होगा, तो ये बच्चों प्राइमरी है, तो ये बच्चों आपका प्राइमरी अमाइन आंसर होगा ना, प्राइमरी अमाइन होगा बच्चों। ये आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे CH3, इसलिए इसे कहेंगे आइसो, चार कार्बन का ब्यूटिल है ना, अमाइन, आइसोब्यूटिल अमाइन है, तो ये प्राइमरी अमाइन होता है बच्चों। इसमें एक ही आपको नाइट्रोजन को एक ही ग्रुप अटैच दिख रहा है ना, अगर नाइट्रोजन को एक ही ग्रुप अटैच है तो उसे हम प्राइमरी कहेंगे। नेक्स्ट, लास्ट सवाल है बच्चों, लास्ट सवाल क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास मतलब यम, डेंसिटी मतलब रो ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज मतलब ए। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है? NM अपॉन A³ NA।
एन एम अपॉन ए क्यूब एन ए, ये फॉर्मूला है डेंसिटी का. ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एन एम अपॉन ए क्यूब एन ए. क्लियर, ये वाला फॉर्मूला है. चलो, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया है. अब शाम, कल शाम के क्लास में देखते हैं बच्चों, बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो हम कल शाम के क्लास में देखते हैं. अभी देखते हैं, अब 6 बजे रखना है, 7:30 बजे रखना है. और 2 शिफ्ट थे ना पूजा, दूसरे शिफ्ट में होगा. ठीक है, 6 अगस्त के जो ये सवाल है ना, 6 अगस्त को जो पेपर हुए थे उनके ये कुछ सवाल हैं. सारे तो सवाल नहीं है, लेकिन जितने मिल सके उतने ले लिए मैंने. ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. मतलब वहाँ पे मैं अभी पीडीएफ इसका डालने वाला हूँ. ठीक है, कल आप बताएंगे पूजा, मैसेज कर देना पूजा मुझे. ठीक है, क्वेश्चन जो होंगे वो मुझे मैसेज कर देना. ठीक है, चलो तो मिलता है बच्चों अभी कल के क्लास में, शाम के क्लास में. सुबह तक क्लास नहीं होगी, कल शाम को लेंगे बच्चों. ओके, बाय बाय.